सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेस्माकं जागृता बालकावयं उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञान दृष्टिमाशिता विवेकानंद मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। हाँ बस अभी पहुंचाओ, बस एंटर कर रहा हूँ बिल्डिंग में। हाँ यार, मुंबई में बैचलर्स को घर कौन देता है? एक बंदा मिला है जिसे पीजी चाहिए। है तो अंकल, पर ठीक है, अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो, हाय अंकल, आई एम रोशन। वो मिश्रा जी ने भेजा है पीजी के लिए। जी, अंदर आओ। ये दरवाजा ऑटोमेटिक नहीं है जी, इसे बंद करना पड़ता है। आप सॉरी, क्लिक कर बंद करो। ये हमारा हॉल है और ये किचन। आओ अंदर। ये बेडरूम है, ये तुम्हारा बेड, ये मेरा बेड और ये लैट्रिन बाथरूम है। जी अंकल। एक मिनट, इससे पहले कि तुम जरूर से ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ, मैं तुमको यहां रहने को रूल समझा देता हूं। रूल नंबर 1, सॉक्स हमेशा शूज में और शूज हमेशा रैक में होना चाहिए। रूल नंबर 2, कोई भी कपड़ा इधर उधर नहीं पड़ा मिलना चाहिए। यह कवर तुम्हारा है, इस साइड का कवर मेरा है, कोई भी कपड़ा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। रूल नंबर 3, सुबह उठने के बाद बेडशीट बिल्कुल साफ और चादर फोल्ड होना चाहिए। रूल नंबर 4, मेरा साबुन शैम्पू और टॉवल को भूलकर भी हाथ मत लगाना। और रूल नंबर 5, नहाने के बाद नल बिल्कुल ठीक से बंद होना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करोगे तुम। और रूल नंबर 6, कमरे से बाहर निकलने से पहले फैन और लाइट ऑफ करना मत भूलना। राइट जी अंकल। आदमी तो बिना स्ट्रोक ही मेरा खून चूस जाएगा। कहाँ फंस गया यार। अरे अंकल, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? हाँ, मैं क्यों झाड़ू लगा रहा हूं?
झाड़ू तो तुम्हें लगानी चाहिए। हाँ पकड़ पकड़ो, झाड़ू लगाओ। संस्कारी हो। मैं नहा कर आता हूँ। अरे अंकल, मैं पूछ रहा था कि मेड नहीं आई क्या? मेड अफोर्ड कर सकता तो पीछे रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, झाड़ू दबा कर लगाना, पैरों में धूल नहीं चिपकनी चाहिए। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। देख लो, क्या हुआ अंकल? अरे ये सब क्या है? अरे फेस पैक है, चेहरा चमकाने के लिए। चेहरा चमकाने के लिए? मैंने तुम्हें घर चमकाने के लिए कहा था और तुम चेहरा चमका रहे हो। अरे लगा तो दी झाड़ू। लगा दी झाड़ू? अरे पैर में धूल चिपक रहा है और तुम कह रहे हो झाड़ू लगा दिए। चलो तुम अच्छे से लगाओ और दबा कर लगाना, समझे? दाल तो बन गई। जय भोलेनाथ। अरे तुम आ गए नहा के? तुम दाल फ्राई कर दो, तब तक मैं आटा गूंथता हूं, ठीक है? क्या खाना बनाना नहीं आता? अब यहां रहना है तो खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम एक काम करो, ये प्याज और टमाटर काटो। लो अंकल, मैं यहां मास्टर शेफ बनने नहीं आया हूं, एक्टर बनना है। बन जाना एक्टर, पहले ये सब्जी काटो। ये अंकल तो टिपिकल सास की तरह मुझे अपनी बहू समझकर ऑर्डर पर ऑर्डर देता रहता है। मैं क्या यहां छोटे मोटे काम करने आया हूं? काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कभी कभी एक छोटे से काम के पीछे बड़ी बड़ी चीजें टालनी पड़ती हैं। इसलिए हर काम आना चाहिए, इससे दूसरों पर हमारी डिपेंडेंसी कम होती है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और क्या पता हंसी मजाक में सीखी ये छोटी मोटी बातें कब हमारे बड़े काम आ जाएं। अरे कैसे काट रहे हो? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे चाकू दिखाओ। दिखाओ दिखाओ, काट के देखो ऐसे काटते हैं। हाँ ऐसे काटते हैं सब्जी। सब्जी खाना सीख लोगे, एक्टर भी बन जाओगे। हाँ मम्मी। हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा एक सेकंड, खिड़की साइड जाता हूँ। हेलो हाँ हाँ जी। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आऊं। कहीं जा रहे हो क्या? जी अंकल। अगर लेट हो जाओ तो लौट के मत आना। मेरा मतलब है अपना जुगाड़ कहीं और कर लेना, क्योंकि मैं रात 10 बजे सो जाता हूँ और दरवाजा जो है सुबह ही खोलता हूँ। अंकल आप अगर मुझे डुप्लीकेट की दे देते। नहीं नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं दरवाजा अंदर से बंद करके सोता हूँ। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। भगवान करे अंकल ने पहले से ही खाना बना कर रखा हो। ओह ये तो अभी बना रहे, फंस जाएगा बेटा, निकल ले चलती।
मीटिंग हो गई? हाँ गल। अच्छा मैंने पराठे बना दिए हैं, तुम ये काम करो तब तक ये सब्जी काट। अंकल बहुत चिपचिप हो रही है, मैं बस दो मिनट, मैं मुझे दो मिनट दीजिए, मैं अंकल बस दो मिनट अभी। एक नंबर का काम चोर है ये। सोच रहा हूं कुछ दिनों के लिए गांव हो आऊं। आइडिया तो अच्छा है, कुछ दिन मैं भी शांति से रह लूंगा। कुछ कहा तुमने? गुड नाइट। इसे क्या हुआ? कितनी ओवर एक्टिंग करता है ये। लगता है पंखे का वायर जल गया शायद। अब पड़े पड़े देखते रहोगे, कुछ करोगे भी? कल अब इतनी रात को मैं इलेक्ट्रिशियन कहां से लाऊं? दो वायर ही तो जोड़ने हैं, जोड़ दो। अंकल मुझे नहीं आती यारिंग वायरिंग जोड़ना। अरे यार फिर तुम्हें आता क्या है? तुम एक काम करो, जाओ सीढ़ी लेके आओ, और हाँ जाते हुए पंखे का स्विच भी ऑफ कर देना। चलो चलो। सीढ़ी नहीं मिली तो ये स्टूल ले आया हूँ। हाँ स्टूल, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ठीक से रखो, ठीक से रखो। हाँ ये पकड़ो। स्क्रू ड्राइवर दो। लास्ट देखो इस वाले वायर को इससे जोड़ दो और इस वाले वायर को इससे, ये जोड़ दिया। हाँ बस हो गया। बेटा रोशन अगर तू जल्दी एक्टर नहीं बना ना तो ये अंकल तुझे इलेक्ट्रिशियन या कम से कम भाई तो बना ही देगा। ये पकड़ो। अब स्टूल को रख दो और पंखे का स्विच ऑन कर दो। अब क्या हुआ? लगता है फ्यूज उड़ गया। तुम्हें तो फ्यूज भी बनाना नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं तुम्हें फ्यूज बनाना। आ जाओ, चलो चलो आओ आओ आ जाओ। देखो भाई ये सब चीज मैंने भी सीखी है, तुम भी सीख जाओगे। देखो रोशन, इंसान को जिंदगी में छोटी छोटी चीजें जो हैं आनी चाहिए, मैंने भी सीखी हैं, तुम भी सीख सकते हो। इसलिए ये काम सीख जाओ। ये आ गए। अच्छा यही है ना। हाँ तुम जरा मोमबत्ती पकड़ो, राशन पकड़ो ना। राशन कहाँ गया? राशन राशन वो मेरे साथ आया नहीं गया, पागल है। चलो भाई मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। यही है। चलो भाई। Thank you.
ओम राम राम गुड नाइट। लगता है खाना बन गया है। अंकल, अंकल क्या कर रहे हैं आप? अंकल कहीं जा रहे हैं आप? अरे बताया तो था, गांव जा रहा हूं भाई। अच्छा हाँ, चलो अब कुछ दिन के लिए शांति। मैं कुछ हेल्प करूं अंकल? नहीं नहीं, लगभग पैकिंग हो गई है। भूख लग रही है यार, चलो कुछ पेट पूजा हो जाए। हाथ धो लूं। कुछ नहीं, खाना कहाँ है? आप अंकल, आपने रास्ते के लिए कुछ बनाया नहीं? मतलब आपको भूख लगी तो? क्यों, ट्रेन में खाना नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता तो है, पर अब मेरे खाने का क्या होगा? चलो मैं निकलता हूं, ट्रेन के लिए देर हो रही है। हाँ अच्छा सुनो, घर का ध्यान रखना, घर तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ के जा रहा हूं। जी अंकल। हाँ अगर होटल से खाना मंगा लिया तो कल ऑडिशन पे कैसे जाऊंगा? बस से गया तो वहां पहुंचते पहुंचते भूत बन जाऊंगा, जाना तो ऑटो से पड़ेगा। अरे यार बड़ी मुश्किल से तो शॉर्टलिस्ट हुआ हूं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे यार ये मुझसे नहीं होगा। काम करता हूँ, दूध पी के ही सो जाता हूँ। भोजन हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए इसे बनाना हर इंसान को आना चाहिए। और सिर्फ भोजन ही क्यों, ऐसे कई काम जिनको करने की जरूरत हमें रोज पड़ती है, हमें उन्हें सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम परेशान ना हो। कई बार देखा है लोगों को गाड़ी चलाना तो आता है पर स्टेपनी लगाना नहीं आता, और इन चीजों को सीखने के बजाय हम इनसे बचते फिरते हैं और बड़ी तकलीफों में आ जाते हैं, जैसे कि अभी रोशन आया हुआ है। कोई बात नहीं रोशन, कुछ बनने के लिए छोटे मोटे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। तुझे इसको कुछ दिनों के लिए अंदर से पीछे तो छूटा, अभी आराम से सो जाते हैं। इसे क्या हुआ? अरे यार समझ ही नहीं आ रहा कौन सी वायर को किस में जोड़ूं। से जोड़ के देखता हूं, भगवान फैन ऑन हो जाना यार प्लीज। शिट यार अब ये लाइट कहां से ठीक होगी? उस दिन मैंने देखा भी नहीं कि अंकल कहां जाकर क्या करके आए, बड़ बेवकूफ हूं मैं। लगता आज रात ऐसे ही काटनी पड़ेगी।
ओह शिट, मच्छरों ने काट लिया। कितने दिन के भूखे थे साले। एक बार ना इस फाइनल ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाऊं, यहां से छुटकारा मिल जाएगा। फिर ना मैं सी फेसिंग फ्लैट लूंगा। बेटा सी फेसिंग फ्लैट बाद में लेना, पहले इनका कुछ कर। हाय सर। हाय हाय। हाँ ये ना तुम, मेरा तुम्हारा। हाँ थैंक यू सर। सर सर ब्रीफ। हाँ भाई कास्टिंग में अपना ही है, टेंशन मत लेना। बस ये ऑडिशन सही से दे, कैरेक्टर है गोविंदा का, हीरो नंबर वन, सेम वैसा ही चाहिए। हाँ सर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कैरेक्टर ना मैं अंदर घुसा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं। चल चल बढ़िया से याद करके। हाँ ओके ओके चल चल। इनको क्या पता कि ये रोल तो मेरा है, बेकार में मेहनत कर रहे हैं बेचारे। नेक्स्ट। हेलो सर। हाय आई एम रोशन। हाय रोशन। हाय यार रोशन, तुमको ना डायलॉग बोलने के बाद फाइन चॉपिंग करनी है इन वेजिटेबल्स की, ठीक है? हाँ ओके सर। रेडी? ओके सर रेडी। एक्शन। ऐसा खाना बनाऊंगा ना कि खाने के साथ लोग उंगलियां भी खा जाएंगे। सबके लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगा, टेम्परेचर अच्छा पड़ेगा। तो चाचा जी के लिए वेजिटेबल कबाब बनाता हूँ। यस। करेक्ट। यार तुम डायलॉग तो बड़ा अच्छा बोल रहे हो, सिलेक्शन पक्का है तुम्हारा। लेकिन चॉपिंग ऐसी नहीं होती है यार, क्या कर रहे हो? अब सर एक चांस, लास्ट चांस। अब सिर्फ चॉपिंग करके दिखाओ मुझे तुम। ओके सर। रेडी? एक सेकंड सर। ऑर्डर सर। एक्शन। कर दिया यार, यार तुमने रहने दो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। सर प्लीज एक लास्ट चांस सर। यार चॉपिंग ऐसी छोटी सी चीज मुझे नहीं आती। सर आप मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब सीख लूंगा सर। यार टाइम ही तो नहीं है मेरे पास, ये सब ना पहले से सीख के आना पड़ता है मेरे भाई। नेक्स्ट। हेलो सर। हाय आशुतोष। हाय। रेडी? रेडी। एक्शन। जिंदगी हमें हर चीज सीखने और करने का मौका देती है, पर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस मौके को कैसे देखते हैं। जैसा कि रोशन के साथ हुआ, जिंदगी ने उसे पूरा मौका दिया, पर उसने सोचा कि इन छोटी मोटी चीज़ों का मेरे करियर से क्या लेना देना। लेकिन उन्हीं छोटी मोटी चीज़ों की वजह से आज उसकी लाइफ का इतना बड़ा चांस उसके हाथ से चला गया। आप लाइफ में कुछ भी बने, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां तक पहुंचने में आपको कोई रोक या टोक ना सके। कई बार हम बड़ी चीज़ें तो सीख लेते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, और यही छोटी चीज़ें हमें पीछे खींच लेती हैं और हमारे मन में अफसोस रह जाता है कि काश हमने इस छोटी सी चीज़ को सीख लिया होता। मेरा आपसे अनुरोध है कि अब से आपके पास आई किसी काम को सीखने की अपॉर्चुनिटी को कभी मिस मत करना।